आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव प्रभारी अंकित परिहार ने कहा कि शाहजहांपुर में जितने भी वार्ड हैं और इकाई हैं उस पर आम आदमी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को उतारेगी। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा एवं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और कमर्शियल टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसे समाप्त करना आम आदमी पार्टी का उद्देश्य होगा और हमारा नया भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका एवं भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों की साफ सफाई आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, 70 में से 62 सीटें हैं और 62 में से हमारे 40 से 42 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 42 45 के समथिंग है। 92 सीटें हमारी पंजाब में है, 92 में से 60 से 65 विधायक ऐसे हैं जो नौजवान है जिनकी उम्र 30 से 45 50 के समथिंग है। तो इन नौजवानों को तो सबसे ज्यादा हम ही लोग सिंबल देते हैं, वो आते हैं जुड़ते हैं, वो हमारा मेन गूगल कर लीजिए आप करने के लिए। शाहजहांपुर आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के क्रम में और संगठन हमारा लगभग शाहजहांपुर में जो युवा यूथ विंग का संगठन है वो 60 से 65% क्लियर हो गया है। विधानसभाओं में प्रभारी बना दिए गए हैं, महानगर में भी प्रभारी बना दिए गए हैं, वार्डों में भी प्रभारी बना दिए गए हैं, नगर पालिकाओं में भी बना दिए गए हैं। प्रभारियों ने अपने विधानसभा और नगर निगमों की कमेटियाँ बनाई और उन सभी साथियों के साथ मीटिंग है और हम लोगों का जो निकाय चुनाव को लेकर जो मेन मंथ है कि हर बूथ पर 10 यूथ की टीम गठित करनी है, तो इसलिए संगठन को हम लोग सजन कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। अभी स्नातक के भी चुनाव हैं, क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी अपना जवाब बनाएगी? इसलिए हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी निर्णय लेगी और जैसा वो निर्णय लेगी तो साथ में निकल। यूथ विंग को आपके द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं चुनाव को लेकर? मैंने बताया तो कि हर बूथ पर 10 यूथ की टीम बना। अभी निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा निकाय चुनाव में, क्या देखिए जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया उसको हमने स्वीकार किया और जब हम चुनाव में गए तो चुनाव में हमसे बार बार जो मतदाता थे प्रदेश के, प्रदेश भर के कहते थे कि इस बार नहीं अगली बार मौका। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, सरकारें बनती बिगड़ती है लेकिन पार्टी के जो नियम है चुनाव लड़ना वो हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार। शाहजहांपुर नगर पालिका जब तक रही तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक सपा पर रही, उसका कब्जा रहा, इस बार भाजपा अपना जोर आजमा रही है, आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? हम अपने इन सबसे आगे अपने आप को हमारा जो चुनावी परिणाम होता है हम लोग सबको साफ कर देते हैं। दिल्ली में देख लीजिए भाजपा कांग्रेस साफ, पंजाब में देख लीजिए बादल परिवार साफ, चन्नी परिवार साफ, कांग्रेस साफ, भाजपा साफ। और यहाँ पे भी नगर निगम में इस बार नौजवानों ने मन बना लिया है, भाग चुका हूँ नगर निगम में, ये सब साफ हो जाएगी, अप्रत्याशित परिणाम होंगे ना शाहजहांपुर पूरी दमदारी से आएगी। बिल्कुल आए, मन बना चुके, मैं नहीं बोल रहा जनता ही बोल रही। समीक्षा बैठक करने के लिए शाहजहांपुर आए। आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के क्रम में और संगठन हमारा लगभग शाहजहांपुर में जो युवा यूथ विंग का संगठन है वो 60 से 65% क्लियर हो गया है। विधानसभाओं में प्रभारी बना दिए गए हैं, महानगर में भी प्रभारी बना दिए गए हैं, वार्डों में भी प्रभारी बना दिए गए हैं, नगर पालिकाओं में भी बना दिए गए हैं। प्रभारियों ने अपने विधानसभा और नगर निगमों की कमेटियां बनाई और उन सभी साथियों के साथ मीटिंग है और हम लोगों का जो निकाय चुनाव को लेकर जो मेन मंथ है कि हर बूथ पर 10 यूथ की टीम गठित करनी है, तो इसलिए संगठन को हम लोग सघन कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी निर्णय लेगी
और जैसा वो निर्णय लेगी तो उसको साथ में निकल दिया जाएगा। यूथ भी को लेकर मैंने बताया तो कि है कि हर बूथ पे 10 यूथ की टीम बनाते हैं। जो हमें आशीर्वाद दिया उसको हमने स्वीकार किया और जब हम चुनाव में गए तो चुनाव में हमसे बार बार जो मतदाता थे प्रदेश के प्रदेश भर के कहते थे कि इस बार नहीं अगली बार मौका। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, सरकारें बंसी करती हैं लेकिन पार्टी के जो नियम हैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार। शाहजहाँपुर नगर पालिका जब तक रही तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सपा पर रही, उसका कब्जा रहा। इस बार भाजपा अपना जोर आजमा रही है, आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? हम अपने इन सबसे आगे अपने आप को रखते हैं। हमारा जो चुनावी परिणाम होता है हम लोग सबको साफ कर देते हैं। दिल्ली में देख लीजिए भाजपा कांग्रेस साफ, पंजाब में देख लीजिए बादल परिवार साफ, चन्नी परिवार साफ, कांग्रेस साफ, भाजपा साफ। और यहाँ पे भी नगर निगम में इस बार नौजवानों ने मन बना लिया है, मैं भाप चुका हूँ नगर निगम में ये सब साफ हो जाएगी। आप प्रत्याशित परिणाम होंगे ना शायद हम लोग पूरी दमदारी से आएगी, बिल्कुल आएगी, मन बना चुके हैं। मैं नहीं बोल रहा, जनता ही बोल रही है।